हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। टेल मी समथिंग न्यू। इंडिया हार गया। नाम मैंने बिल्कुल सही टाइम पे चेंज किया, कोई चीज नई हो ही नहीं रही। हाँ, हॉलैंड ने थोड़ी खलबली मचाई थी, अफगानिस्तान ने मचाई थी, लेकिन अफगानिस्तान वो जो बांग्लादेश से मैच हारा उसकी वजह से वैसी नंबर में बिलाजे में पाकिस्तान आखिरी वक्त तक ले जा रहे हैं। ये भी मुझे लग रहा है गेम का हिस्सा है। न्यूजीलैंड नहीं करना है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, चौथे नंबर पे वही फिनिश करेगी। अभी तक जो हालात लग रहे हैं यार आज के मैच ऑस्ट्रेलिया अब का, बंदा क्या बोले, वैसे तो बहरहाल अरे पाकिस्तान से हाँ, बात। वो ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड वाला मैच भी तो था कल, वो हमने उसका रिव्यू पूरा नहीं किया होगा ना। तो अभी चल हाँ नहीं चल रहा था वो, तो एंड हो गया था। हाँ, 33 हाँ 33 तो रन से हारे भाई ना। हाँ बात यह है कि आज के मैच को अगर हम देखें इंडिया और साउथ अफ्रीका की, तो हाँ पाकिस्तान से बाहर निकल के सबसे पहले जिस चीज पर मैंने काबू किया ना अपने, मैंने ऐसुल कौम, हम लोगों को आदत है कि जब भी हम कोई फेलियोर होता है तो हम जिम्मेदार ढूंढते हैं कि बजाय इसके कि अपनी खामी को जो है वो हम ठीक करें, हम कोई ना कोई कंधा ढूंढते हैं, कोई ना कोई गर्दन ढूंढते हैं जिस पर बल्ली डाल दें कि भाई इसकी वजह से हुआ। तो उस आदत को जो है बड़ी मुश्किल से काबू किया बाहर निकल के कि नहीं भाई, आपका फेलियोर तभी होता है जब आपने अपनी एफर्ट में कोई कमी रखी होती है या आपने कोई एफर्ट ही नहीं की होती, आपने हरामखोरी की होती है तो आपका फेलियोर होता है। लेकिन यार ये जो जिस तरह के मैचेस इंडिया जीत रहा है ना, इसके बाद तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं उस तरह की बातें करूं जिस तरह कई लोग और बातें कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरीज जो है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है मार्केट में ला रहे होते हैं। कल एक कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी आई है पाकिस्तान का जो यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर था हसन रजा, उसकी तरफ से कि आईसीसी इंडिया को खेलने के लिए नई अलग किस्म की बॉल्स देता है जिसकी वजह से इंडियन बॉलर्स ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं बनिस्बत बाकी। वल्लाह हाँ जी, आलम। वो चवल भी मैंने सुनी है। असल में हम सब जो है ना, वाकई वो जो आपने कंधे वाली बात की, मैं तो कंधा भी नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि भाई हम देखते हैं कि कोई मिल जाए जिसके ऊपर हम डाल दें बस सारी कहानी अपनी गलतियों की। या भाई मैं मानता हूँ कंडीशन भी उनकी अपनी है, लेकिन यार फिर भी बंदा, इंडिया ने 11 में कोई ऐसा प्लेयर नहीं रखा हुआ जो मैच वाले दिन आपको फील हो रहा हो कि यार ये शायद रन दे देगा। अब जडेजा ने आज 5 लिए हैं, कोहली ने सेंचुरी बना दी, आपको पता था ये परफॉर्म करेंगे, उन्होंने कर दिया। कभी ऐसा आपने बाबर के लिए सोचा है, या कभी आपने ऐसा आगा सलमान या इफ्तखार अहमद के लिए सोचा है कि वो आएगा और वो मैच बिल्कुल क्लियर कर देगा? कभी ऐसा हुआ है या आपको फील होता है? कभी नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? कि आपको पता है कि फेलियर ऑन द कार्ड है, यानी आपको पता है कि ये वो प्लेयर हैं जो चल गए तो चल गए, वरना तो फिर ये एक साइड पे हो जाएंगे प्रेशर वाले मैच में। आज प्रेशर तो था क्योंकि दोनों टॉप टीयर टीमें थी, लेकिन जिस तरह इंडिया खेल रहा है ना, कोई मसला नहीं है। आउट भी हो गए प्लेयर्स, ओपनर आउट हो गए, कोई मसला नहीं है। तीसरा नंबर चौथा नंबर खेल रहा है, चौथा नंबर आउट हो गया, कोई मसला नहीं है। पांचवा नंबर आ गया, वो खेल रहा है। छठा नंबर आ गया, वो खेल रहा है। कोई मतलब रुक नहीं रहा। तो ये तो ऑब्वियसली एक चैंपियन साइड की होती है कैरेक्टरिस्टिक। एक जमाने में जैसे ऑस्ट्रेलिया की होती थी टीम, अभी ये 7-8 साल में इंग्लैंड की टीम थी, तो इंग्लैंड की तो वाइट बॉल का डब्बा गोल हो गया सारा कुछ। खैर, वो उनकी कंडीशन की फेवर में नहीं थी, वो हुआ कि उनकी फेवर में नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो बिला वजह, आपने जो अभी वीडियो में ऑफ एयर कहा था पहले स्टार्ट में कि भाई ये बस ट्रॉफी हैंड ओवर करें 19 नवंबर, आज 15 पूरे 2 हफ्ते ही हैं, आज ही दे दें, 6-7 मैच बचा लें जो पीछे रह गए, 8 मैच जो रह गए पीछे उनका टाइम यार बचा इस दें। तरह के बेकार मैचेस से तो बेहतर है कि यार वैसे ही हर दफा जो है वो ये कर किया करें, 4 साल बाद जो होस्ट है बोले वही उसी को वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर कर दें और बोले भाई ठीक है अगली दफा जो होस्ट है हाँ उसको वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर कर दें, बस ठीक है इस तरह काम चलाएं। क्या वन साइडेड मैच हो रहे हैं, यानी साउथ अफ्रीका जैसी टीम इस तरह हार गई है वन साइडेड उसके ऊपर, तो ये तो समझ से बाहर है। मैंने असल में वो रिव्यू पढ़ा, प्रीव्यू पढ़ा था, तो मुझे पता चला कि आज ड्यूक जो है ना, वो 75% चांस है मैच में। तो नीचे ना लिखने वाला इतना, मतलब क्या कहूँ, ओवर कॉन्फिडेंट कहूँ या ओवर वो कहूँ, कहने लगा अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर सका पहले 20 ओवर तो मैच जाएगा ड्यू की तरफ।
मैं पढ़ के थोड़ा खुद भी वो हुआ, मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंट हो रहा है ये तो, कि साउथ अफ्रीका को भी 20 ओवर में इंडिया आउट कर लेगा, तो फिर तो मुझे कुछ अब लग रहा है कि वाकई ये कोई कहानी है, या तो ये वही है सिंपल के भाई स्क्रिप्ट है उसके एंड तक चलता रहेगा। अच्छा ये दो साइड है, बस ये 1 मिनट है आखिरी, इस पे बोल दूं मैं कि ये दो साइड टाइप की होती है ये जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट होता है ना, अगर ये 9 मैच वाला फॉर्मेट हो तो इसमें बंदे को ये होता है कि यार चलो जो हर मैच है वो क्रंच है, हर मैच जीतना जरूरी है, तो ये एक तरह से ये होता है। और वो ग्रुप मैचेस वाला जो एक टूर्नामेंट होता है, क्योंकि अगला टूर्नामेंट 14 टीम्स का ही होगा, 10 का नहीं होगा, तो वो उससे उससे फर्क ये पड़ता है कि आपको जो है ना बीच में एक आध मैच सुकून का मिल जाता है, यानी थोड़ा सा हाइप कम होती है उस मैच की, आप उसमें थोड़ा अपने आप को जैसे पाकिस्तान जैसी टीम्स जो स्टार्टर जो है वो कर लेती है मैनेज, पैसे ऐसे भी बन जाते हैं सारी टीमों के, तो वो दोनों टाइप ऑफ टूर्नामेंट में ना कर ऐसा दिया गया है फॉर्मेट को, या आप समझ लें अब 3 ODI सीरीज होंगी, अब आपको पता ही है 5 ODI वाली कहानी खत्म हो रही है, 3 ODI की मैच हो, जो टीम वेल प्रिपेयर्ड होगी ना, जिसके प्लेयर परफॉर्म करते आ रहे होंगे और परफॉर्मेंस पहले मैच में ही दे देंगे, तो सीरीज आप हारने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, यानी इतना वन डायमेंशन या इतना फेवर में कर दिया स्ट्रॉन्ग टीमों की, अब आप कोई वीक टीम होगी वो एक मैच तो हरा सकती है 4-3 में से, लेकिन 3 के 3 मैच नहीं हरा सकती। वो चांस आपको याद है कभी कभार 5 वनडे की सीरीज में ये होता था कि यार 2 जीत लिए फिर अचानक से 2 जो है वो हार गए, फिर आखिरी में जाके 5वां जीत गई जो टीम असेंडेंसी में थी, वो अब सब खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मतलब बहुत ही कोई अल्लाह ने बहुत ही कोई बड़ा मसला हो गया तो जो है वो कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, वरना वही जो चल रहे रिजल्ट वही आते हैं। अच्छा जी, कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ उस पर देख लें। आप बोले भाई मैं तो थक गया हूँ कि इंग्लैंड की, मुझे तो लग रहा था ये लिविंगस्टन, मैं वही अभी आपको कह रहा था ना कि सबके सब प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लैंड में कहाँ है ये चीज, आप बताएं। इंग्लैंड का तो यार यानी अजीब यानी अनएक्सपेक्टेड किस्म का इंग्लैंड ने डिस्प्ले किया है। मेरा ख्याल है वो जो कल हम बात कर रहे थे ना, इंग्लैंड भी वो कहते हैं ना ओवर एस्टिमेट कर गया के हाँ जी प्लेयर्स बिल्कुल, को T20 की परफॉर्मेंसेस की बेस पे ODI में शामिल कर लिया, और जितने प्लेयर खेल रहे हैं वो T20 के हिसाब से ही खेल रहे हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता गेम वही आ गई है कि आपको विकेट पे खड़े होके हिटे मारनी है। तो और थोड़ा सा जो है वो मेथोडिकल भी होना है कि आपको अगर एक ओवर में 10-12 रन मिल गए तो अनड्यू रिस्क नहीं लेना। लेकिन इंग्लैंड मुसलसल वही गलतियां किए जा रहा है। हैरी ब्रूक इस तरह खेल रहा था, अब तो खैर नहीं है वो टीम में। और जो दूसरे हैं कि 2-3 बाउंड्री अगर मार भी लें शुरू के 2-3 मैचों में, जो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले होते हैं उसमें वो अपनी इन जल्दबाजियों के नतीजे में वो मैच हार गए, और उसके बाद से वो मैच संभाल ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि कल ऑस्ट्रेलिया की भी शुरू में जल्दी विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद 286 उन्होंने कर दिए और फिर इंग्लैंड वो भी चेज नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी चीज ना इतनी मतलब वो नहीं होनी चाहिए, इतनी डिसाइडेड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम होना चाहिए कि मतलब कोई मैच में कुछ जान भी तो, आज का मैच मैं देखने बैठा था, मैंने एक तो संडे भी है थोड़ा टाइम भी है, लेकिन मैंने जब देखा ना कि विकेट मुश्किल थी, पता नहीं लोग कह रहे थे मुश्किल है शुरू में कि रन नहीं बनेंगे इतने आराम से, फिर जिस तरह साउथ अफ्रीकन आउट हो रहे हैं ना, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ 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 हो नहीं रहा मैच में, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पूरे 50 ओवर, अचानक से ऐसा कैसे होने लग गया कि भाई पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकते, अभी एक टीम बिल्कुल सही चलती भी आ रही है, मतलब सही है चेज उनके 2 मैच उनको चेज, एक में पाकिस्तान के खिलाफ चेज बस लकली वो जीत गया, लेकिन चेज अब इतना भी वो मुश्किल नहीं है, या फिर आप इतने भी वो नहीं हो के इतने अनस्किल्ड हो, कोई 4-5 ओवर नहीं खेल सकता, इतनी जल्दी जल्दी सबको पड़ी हुई है, पाकिस्तान वाला हाल कर रहा था साउथ अफ्रीका, जल्दी पड़ी हुई है के बाद आउट और जाओ। बस समझ से बाहर है खैर क्या किया देखते देखते है हैं आप कल इन्होंने। श्रीलंका बांग्लादेश में क्या तबाही होती है बांग्लादेश की। अब दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही। तो यही मसला है कि श्रीलंका ही जीतेगा, बांग्लादेश ने तो कसम खा लिया है एशिया को बर्बाद करने की, देखते हैं इंशाल्लाह। चलें यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए चलिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।